स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करते हैं सीड फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड आर फॉर्म इन साइड फ्रूट्स। सीड्स टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कॉटिलीडन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। तो बात करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो सीड हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम परिणाम होते हैं। इसको प्रायः एक निषेचित जो ओव्यूल होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल है, वो यहाँ पे फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर होता है ओव्यूल। और सीड की बात करते हैं, टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होता है इसमें, और कॉटिलीडन्स और एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक है, यानी कि देखिए सीड क्या है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइज ओव्यूल है, ठीक है, तो सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें तीन पार्ट्स हमने बता दिए। फिर हम बात करते हैं कि कॉटिलीडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि एक बीज में विशिष्ट रूप से हमने बताया बीज आवरण होता है, बीज पत्र होता है और एक भ्रूण अक्ष होता है। तो बीज भ्रूण का जो बीज पत्र है वह एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार जो उसमें होता है भंडारण के रूप में फूली हुई और स्थूल जो होती है जैसा कि लेग्यूमिनस में होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मैच्योर सीड्स होते हैं नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट पी एंड ग्राउंड नट। देखिए जो पी हैं और जो ग्राउंड नट हैं, यानी कि इसमें जो है भ्रूण जो होता है विकास के दौरान यह पूर्णता उपयुक्त कर लिया जाता है, यानी कि इसीलिए इनको हम नॉन एल्बुमिनस बोलते हैं। एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं, एल्बुमिनस सीड्स रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि वीट है, मेज है, बार्ले है, कैस्टल है, सनफ्लावर, याद रखिएगा ये एल्बुमिनस होते हैं, यानी कि इनका जो एल्बुमिनस बीजों में भ्रूण पोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णता उपभोग नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए ओकेजनली इन सम सीड सच एज बैक पेपर, ब्लैक पेपर एंड वीट, रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंस न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। ठीक है, तो अब क्या है कि कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च है और चुकंदर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो न्यूसेलस शेष रह जाता है, यानी बीजांड काय जिसको न्यूसेलस बोलते हैं शेष रह जाता है, अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय जो होता है यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। दिस रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरी स्पर्म, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लैक पेपर और बीट में। चलिए आगे मूव करते हैं, देखिए आगे क्या है, इंटेगूमेंट ऑफ द ओव्यूल्स हार्डन्स एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, द मैक्रोपेल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, दिस फैसिलिटेटेड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन टू द सीड। यानी जो माइक्रोपाइल होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के सीड में वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री को
यहाँ से प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशनल पीरियड। ठीक है, एज ए सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो सीड होता है वो परिपक्व होता चला जाता है, मैच्योर होता चला जाता है, उसके अंदर जल की मात्रा बराबर घटने लगती है और बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है, यानी कि 10 से 50% मॉइस्चर बाई मास, यानी कि वो धीरे धीरे शुष्क होता चला जाता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, और जो उसकी जो उपापचय क्रिया होती है मेटाबॉलिक रेट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, निष्क्रिय होती चली जाती है। तो इनएक्टिवली इसको हम डॉर्मेसी बोलते हैं। ठीक है, और इन फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल एडोकेट मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। जब क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है जैसे कि पर्याप्त नमी और आर्द्रता और ऑक्सीजन और पर्याप्त टेम्परेचर मिल जाता है तापमान, तो वे अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज ओव्यूल मैच्योर, क्या होता है जब ओव्यूल मैच्योर, ओव्यूल्स मैच्योर इंटू सीड्स। देखिए ओव्यूल्स होते हैं वो सीड मैच्योर होकर सीड बनाते हैं, और जो ओवरी होती है वो मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इंटू सीड्स एंड ओवरी इंटू फ्रूट्स प्रोसेस साइमल्टेनियसली। तो यह जो प्रक्रिया होती है, ये इसका जो रूपांतरण होता है ये साथ साथ चलता है, यानी कि साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है सीड में, यानी कि सीड का बनना और फ्रूट का बनना। चलिए आगे देखते हैं। द वाल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इंटू द वाल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। तो अंडाशय की जो दीवार होती है और फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, द वाल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इंटू द वाल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। द फ्रूट्स में बी फ्लैजी इन ग्वावा ऑरेंज मैंगो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्वावा ऑरेंज और मैंगो में जो फ्रूट हैं वो कैसे हैं, फ्लैजी हैं, और इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं ग्राउंड नट में और मस्टर्ड में इसमें ड्राई होते हैं, याद कर लीजिए ये चीज़। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स रिकॉल द क्लासिफिकेशन फ्रूट ऑफ देयर डिस्पर्सन मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस। तो क्या है कि अब जैसे कि बहुत सारे फलों में आपने बीजों के परिक्षेपण के हेतु विभिन्न प्रकार की विधियों होती हैं जो जो कि आपने आगे स्टडी कर रखा है। तो अब हम देखिए आगे हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये है फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। देखिए जो कि जैसे कि कुछ एप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, इनमें थैलेमस आर आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें थैलेमस जो कंट्रीब्यूट होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट और एप्पल, तो इनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ फ्रूट हाउएवर डेवलप फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट, यानी ओवरी के अतिरिक्त अगर फ्रूट कहीं से डेवलप हो रहे हैं तो उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जो ओवरी से डेवलप होते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फ्रूट जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। देयर आर द फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप, यानी कि जब विदाउट फॉर्मेशन डेवलप होगा, तो आप जानते हैं कि इसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। बनाना इसका एग्जाम्पल है, बनाना इज सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीडलेस। तो ये फ्रूट कैसे कहलाए जाएंगे, सीडलेस फ्रूट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ में जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं। और इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट ऑफ माल बाई माई वीडियो देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू आर रियली लाइक माई वीडियो देन क्लिक ऑन लाइक बटन। और आपका जो सजेशन है तो वो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं,
और ठीक है फ्रेंड्स, आई वेट फॉर योर सजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।